नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूँ आपके साथ ओनिका महेश्वरी। गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में श्री खाटू श्याम जी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल प्रतियोगिता के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं खेल प्रतियोगिता में कई बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों के साथ साथ शहर के क्षेत्र के लोगों ने भी शिरकत की। गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं इस साल केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस मेले में शिरकत की। राव इंद्रजीत सिंह ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। राव इंद्रजीत समेत गुरुग्राम की मेयर मधु बाजार समेत भाजपा के कई नेताओं ने भी इस मेले में शिरकत की। रहा है तो फिर से इतनी भारी तादाद के अंदर लोग आए हैं अब बाबा खाटू श्याम की जय बोल करके और कबड्डी देखने आए। इस मेले में तमाम गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच और मौजूद लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मेले में शामिल हुए लोगों की माने तो ऐसे मेले हर जिले में होने चाहिए ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। देखिए, हम जब से यहाँ होश संभाला है, जब से हमने जन्म लिया है, उससे पहले से ही इस मेले का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता रहा है और आज इस मेले में अपने गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और पटौदी के MLA सत्यप्रकाश रावता, जो कि चंडीगढ़ में व्यस्त होने के कारण उनके भाई ने आज शिरकत की थी, तो दोनों बतौर मुख्य अतिथि आज इस प्रोग्राम में, आज इस आयोजन में उन्होंने शिरकत की थी। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जब इतने बड़े आयोजन में केंद्रीय मंत्री या विधायक जी के भाई के आने से जो खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं उनका हौसला तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ जो इसके आयोजक है उनके लिए भी एक तरीके से संजीवनी का काम करता है कि इतने बड़ा नेता हमारे यहाँ मेले में पहुँचा है, तो आज निश्चित रूप से गांव सिकंदरपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।